नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि एक हमारे एक पेशेंट थे जो कि साल भर से काफ़ी परेशान थे। वो कई जगह उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया था और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो थी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, यह वह कंडीशन होती है जब आपकी जो यूरेथ्रा होती है, यानी जो आपकी जो पेशाब की नली होती है, वो कि अंदर से वो सिकुड़ जाती है। और उसके अंदर जब अंदर से सिकुड़न आ जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि उनको यूरिन करने में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आती है। यूरिन में उनको परेशानी आना शुरू हो जाती है, यूरिन की जो फ्लो होता है वो फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और उसके साथ साथ यूरिन में उनको जलन आ सकती है। यूरिन रुक रुक के आएगा, उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, उनको ऐसा लगेगा यूरिन करके आके बैठेंगे और उनको लगेगा वापस यूरिन आ रहा है। और लेकिन जब वो यूरिन करने जाएंगे तब उनको यूरिन जो होता है वो या तो ड्रॉप ड्रॉप आएगा और उनको यूरिन जो है वो प्रॉपरली आएगा ही नहीं। उनकी जो धार होगी वो धार बहुत ही कमज़ोर होती है, उनको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। उसके साथ साथ कई दफ़ा उनको घुटनों पर बैठना पड़ता है, ऐसी कंडीशन उनको डेवलप हो जाती है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ऐसी कंडीशन से वो हमारे एक पेशेंट है, वो जो कि परेशान थे काफ़ी समय से, वो इधर उधर ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, उनको आराम नहीं आ रहा था। फिर वो हमसे कुछ समय पहले हमारे संपर्क में आया और उन्होंने हमसे कांटेक्ट करके होम्योपैथी ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया और उनसे आज वो काफ़ी उनको आराम है और वो पूरी तरीके से अब ठीक हो चुके हैं। उन्होंने अपना फीडबैक जो है उन्होंने हमारे साथ में, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस चैनल पे भी उन्होंने अपने जो फीडबैक उन्होंने शेयर किए हैं और वो काफ़ी अब खुश हैं। अपनी जो प्रॉब्लम थी उनकी और वो पूरी तरीके से उनकी ठीक हो चुकी है। दोस्तों, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बहुत ही कठिन बीमारी होती है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको जो ये प्रॉब्लम होती है उसमें आप दो या तीन बार ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि ऑपरेशन करवा चुके होते हैं। ऑपरेशन कराने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम जो होती है वो वापस खड़ी हो जाती है, उनको बार बार ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और वो लाइफ लॉन्ग इसमें परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं आपको कहूँगा, आप अगर होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है थोड़ा सा सब्र के साथ इसमें आपको ट्रीटमेंट लेने की। पेशेंट्स के साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। अगर आपको दोस्तों यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लें। हो सकता है आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, या बिना ऑपरेशन के भी आप अपनी जो प्रॉब्लम हो गई है उसको आप ठीक कर सकें। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है हमें इस तरह के पेशेंट्स जब हमारे साथ में अपना फीडबैक शेयर करते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि एक इंसान जो कि बहुत ही लंबे समय से प्रॉब्लम था, अपने बीमारी के कारण वो परेशान थे और वो काफ़ी लंबे समय से इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा था, उनका शरीर से भी परेशान हो रहे थे वो, उनका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने होम्योपैथी ली तो वो ठीक हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे जो प्रयास है वो प्रयास सही दिशा में काम कर रहे हैं और एक हमें आत्मीय संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है या आपके किसी मित्र को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें, क्योंकि होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कि क्लेमेटिस इरेक्टा, थैलेसपी बुरसा, थियोसिनामिनम और इसके साथ साथ इसमें मेडोरिनम, स्टेफिसाइगरिया, परेरिया, सबल सेरुलेटा, चिमाफिला, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जिसके कि आपके सिम्टम्स के और आपके जो भी आपके लक्षण होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें मेडिसिन दी जाती है, तो आप अपनी जो बीमारी होती है बीमारी से आप पूरी तरीके से आप निजात पा सकते हैं। इसलिए एक बार होम्योपैथी ज़रूर लें। दोस्तों, यह एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी जो मैंने चाहा आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका, अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिले और आप एक बार होम्योपैथी ज़रूर लें, हो सकता है आप ऑपरेशन से बच जाएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।